बात न्यूज में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें बड़ौली गांव के सामने देखिए सेक्टर 80 में, और ये आगरा नहर है। नहर में कुछ घटना दुर्घटना हुई है, कोई वारदात हुई है, ऐसा ये महिलाएं ये लोग कह रहे हैं कि कोई लड़का गायब हो गया, वो कहाँ गया, नहर में डूब गया, फेंक दिया गया, क्या किया गया कुछ पता नहीं है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं रास्ता बंद कर रहे हैं, ये नुकसान मत करो गाय को, रास्ता बंद कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, ये नाराज से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये बड़ौली गांव के सामने ही यहां पर ये कट्टे धोते हैं सीमेंट के, ये देखिए, और यहीं पर वो लड़का भी कट्टा धोता था ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ से गायब करता था जी, ये लड़का यहाँ कट्टे धोता था, उस दिन धुलाई बंद थी यहाँ पे, उस दिन छुट्टी थी, हम सारे अपने घर पे थे और हमें उसके बाद हमें पता नहीं कहीं इसमें डूब तो नहीं गया। अब ये तो जी हमें नहीं पता जी, पता लगा गिर गया और फिसल गया और डूब गया। हम तो खूब ढूंढा था, मैं तो मिला नहीं कहीं भी। आपने अंदर तक ढूंढ लिया भाई साहब? अंदर का ही अंदर तो हम तो यहीं से रहते हैं, यहीं पे। तैरना आपको भी आता, उसको आता? तैरना मेरे को नहीं आता जी। आपका क्या नाम है? मेरा बेदराम है जी। आप कब से काम करते हैं यहाँ पर? मुझे हो गए 6-7 महीने करीब हो गए। 6-7 महीना हो गया आपको यहाँ का? यहाँ पर सुनाई दिया पहले भी लड़के गिरे हैं, डूबे हैं? मेरे को नहीं पता जी, मेरे को नहीं पता जी। कौन काम, किसके अंडर में काम करते हैं आप? ठेकेदार है जी हमारा। क्या नाम है? मोहन जी। मोहन जी, हाँ जी, ठीक है भाई। जो गायब हुआ लड़का उसका क्या नाम है? अशोक है। अशोक नाम है, 93 नंबर का रहने वाला था, मस्जिद के पीछे लोग रहते थे। अब ये कार भी खड़ी कर दी है, रास्ते पर बैठ गए हैं, ये देख रहे हैं महिलाएं, ये रोड पर बैठ गई हैं। क्यों रोड पर क्यों बैठ गया? हमें इंसाफ चाहिए, हमें क्या इंसाफ चाहिए? थाने में रिपोर्ट ना हुई हमारी, मम्मी पूछ लो, रिपोर्ट भी ना ली, नाली हमारी पूछो हो रही। क्या दिक्कत आ गई? मेरा दिक्कत की आगे मेरे बेटा को मोहन ने मरवा दियो, यहाँ पे न्याय करवा दे मेरा। क्या नाम है बेटे का? अशोक नाम है। कहाँ रहते हैं आप लोग? कहाँ? अच्छा ये अशोक है। अच्छा FIR भर लिया पुलिस ने? FIR करी, FIR नंबर बताने 216 FIR नंबर 30/7/2022 को दर्ज हुई है। आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन BPTB, मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ढूंढ नहीं रहे? नहीं ढूंढ रहे, पैसा भर दिया, नहीं ढूंढ रहे, हमारा नाम ही एक भी नहीं है। जो हमने रिपोर्ट लिखवाई थी ना वो रिपोर्ट नहीं है, मालिक का और लेबरों का सारों का नाम लिखवाया था, मालिक ने रुपए भर दिए और ये रिपोर्ट झूठी बना के दे दी है। भरने का कोई सबूत है आपको? भैया पुलिस उठ के ही नहीं दे रही है बिल्कुल भी, पुलिस वाले धमका रहे हैं। इस पर डाउट है इनको, काम ठीक से नहीं हो रहा है। अब ये लोग रोड पर बैठ गए हैं। अच्छा आप कब कहा है सर? मालिक ने कहा हमारे सामने, मालिक से ये बता रहा है, कह रहा भाई जो मेरे काम पाता वो मर के जाता, जिंदा को जाता नहीं। मर के क्यों जाता है? मर के क्यों जाता है भाई? पता नहीं कैसे बताया नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। जवाब नहीं है, सब अपने अपने चलाता है और सुनवाई नहीं करना है। हमारा फोन उठा रहा है मालिक, लेबर सुन के दे रही है। चलो लोग परेशान है, साइड में आ जाओ। नहीं साइड में नहीं आएंगे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाओ हमें, हमारा बेटा चाहिए हमें, बिल्कुल दिलाओ हमें, जैसा भी जिंदा चाहे मुर्दा है, कैसा भी हमारा बेटा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब रोड तो आप लोग देख रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साइड में आ जाओ, लेकिन नाराज हैं। इनका कहना है बेटा जब तक नहीं मिल जाता या उसकी बॉडी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तसल्ली हो जाए, तब हम हटेंगे। पुलिस यहां पर नहीं है, BPTP पुलिस थाने में FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक वो लड़का नहीं मिला है। किस हालत में, जिंदा है मुर्दा है क्या है, जैसा भी है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ढूंढ दें। आप तीन नंबर मस्जिद के पीछे ये लोग रहते हैं। अब कुछ लोग वापस भी हो रहे हैं रोड जाम देखकर। आइए थोड़ा सा देखते हैं जहां पर वो लड़का काम करता था, पता करते हैं कुछ।
ओ भाई ओ भाई ऐसा मत कर। हेलो हेलो, अरे भाई ऐसा मत कर भाई, उसकी क्या गलती, लेबर है वो। हाँ आप कुछ जानते हो भैया, आपसे बात हो गई ना मेरी। आप भी यहाँ काम करते हो? हाँ जी। हम क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम चंद्रकांत है। कब से काम करते हैं? एक मिनट रुक जाओ, मेरे से बात करनी है। अच्छा कुछ जानते हो बता दो, गिर गया हो डूब गया हो तो बता। देखो उस दिन तो मैं छुट्टी पे था, दोनों लोग छुट्टी पे थे, वो अकेला ही था। छुट्टी थी यहाँ पे। यार कुछ तो बता, होगा गिरा डूबा बहा है? मैं इनको तसल्ली तो हो जाए भाई साहब। अपने रूम पे था उस दिन। कहाँ रूम है आपका? ये रब पास नहीं, पास नहीं है। हाँ कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को 3-4 साल हो गई यहाँ पे। तब पुराने हो भाई, आपको जरूर पता होगा। मैं तो पुराना हूँ। कोई महिला भी यहाँ पे काम करती है? महिला यही है जो अभी आई हूँ। कोई काम भी करती है महिला? महिला है अभी, इनके पास में ही थोड़ी लग रही थी। अच्छा हाँ, इन्हीं की घरवाली है। अच्छा आपकी घरवाली है भैया, आप महिला कहाँ है? वो हमारी अभी तो यही थी ऊपर। अच्छा अभी तो यही खड़ी। बुला लो यहीं, यहीं तो होगी। बता दो क्यों परेशान हो रहे हैं बेचारे, आपको कुछ तो पता होगा, गिर गया डूब गया बह गया। उस दिन मैं आया नहीं था इस पर नहर पे। उस दिन नहर पे नहीं आया मैं। आप नहीं आया? वो आया था काम पे, वो आया था वो तो काम पता होगा ना, काम पे कुछ धूला होगा वो। अच्छा काम उस दिन बंद था, वो काम पे नहीं था। चलो ठीक है भाई, कुछ बता दो यार, थोड़ा मदद हो जाए, देखते हैं। ये चप्पल उसी की है भाई? ये चप्पल उसकी? हाँ उसकी चप्पल, उसका जो शर्ट है कपड़ा है यहीं पर था ना, उसका कपड़ा चप्पल यहीं पर था, कहीं ऐसा तो नहीं हो नीचे गिरा हो बह गया हो फिसल गया हो? अच्छा ये बताइए, इधर आओ, आपने इधर आ जाओ, यहाँ पे एक घाट सा आपने बना रखा है, ये यहाँ फिसलने वाला रास्ता तो नहीं है? नहीं फिसल भी जाते हैं लेकिन जो ऐसे नहीं फिसलते हैं। अच्छा कहाँ गहराई कहाँ तक है? हम तो गहराई तो यहीं तक है, करीबन इसकी 12-14 फीट होगी। अंदर तक चले जाते हो? तैरना आता है आपको? बीच में भी धो के आते हैं जब नहर सूख जाती है। तैरना आता है आपको? नहीं तैरना नहीं आता है हमारे पे। तो ऐसा ना हो फिसल के चला आप ही फिसल के गिर गया हो वहाँ पे? कह नहीं सकता हूँ जी इस बात की, क्योंकि उस दिन था नहीं मैं, उस दिन था नहीं। अगर मान लो यहाँ से फिसलें तो कहाँ रुकेगा वो बंदा? अगर यहाँ फिसलेगा, जैसे यहाँ फिसलन तो है ना, ये देखिए यहाँ फिसलन है। अब इस बात की मैं कहाँ भाई, कुछ तो आइडिया होगा, यहाँ काम करते हो भाई, क्या कह सकता हूँ कि कहाँ रुकेगा। वैसे फिसलने वाला तो यहीं रुक जाता है, ज्यादा दूर नहीं जाता फिसलने वाला तो। उसकी हाइट भी तो कम थी लड़के की? लड़के की हाइट कम थी थोड़ा का ना, वो यही नहा भी लेता था, काम करके नहा लेते, नहाने वाले बंदे नहा लेते थे। लेकिन चलो भाई बता नहीं रहे हो, ठीक है भाई ठीक है। तो यहाँ लोगों ने रोड जाम किया है, पुलिस को चाहिए थोड़ा सा इनको तसल्ली दें। तो हमने कुछ सूचनाएं जुटाई लेकिन सूचनाएं सही से नहीं आ पाई। रोड ही जाम कर दिया यहाँ तो, ऑटो ऑटो लगा दिया इन्होंने, ये देखो ऑटो ऑटो लगा दिया है। अब लोग वापस हो रहे हैं, लोग वापस हो रहे हैं क्योंकि जाम लग गया है। तो दोस्तों देख रहे हैं अशोक नाम का युवक गायब हुआ है, यहीं पर काम करता था, बोरे धोता था, कट्टे धोता था सीमेंट के, अब कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। परिवार वाले परेशान हैं, आज रोड जाम कर लिया है। BPTP पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है लेकिन अभी तक तलाश नहीं हो पाई है। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।